अस्सलाम वालेकुम। सफ़र सनात के में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज बिरयानी, क्योंकि मैंने नॉन वेज बिरयानी तो दो तीन बना ली है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज मैं वेज बिरयानी बनाऊँ, या आप इसे वेज पुलाव भी कह सकते हैं। तो यहाँ मैंने सारे इंग्रेडिएंट रख रखी है, ये मेरे सारे मसाले हैं जो मैं इसमें ऐड करूँगी। ये हमारे तड़के के लिए है और ये हमारे मैरिनेशन के लिए है। तो यहाँ मैंने 8 से 10 ले लिए काली मिर्च, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग, इस तरह छोटा सा जायफल और सॉरी जावित्री का फूल छोटा लिया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है और इसकी खुशबू होती है, और 1 छोटे चम्मच जो मेजर चम्मच होता है, चुटकी से ले लें तो आप 2 चुटकी। मैंने ज़ीरा ले लिया, आप शाही ज़ीरा भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है कसूरी मेथी 1 चम्मच, 1/2 चम्मच आमचूर मैंगो पाउडर जो होता है आमचूर, और यहाँ पे लिया है मैंने 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच गरम मसाला, क्योंकि हम साबुत गरम मसाले भी ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने 2 चम्मच लाल मिर्च लिया है, क्योंकि यह हमारा नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर है। इसलिए आइए हम चलते हैं हमारी सब्जियों की तरफ। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिया है गाजर, ये गाजर मेरा शायद 50 ग्राम या 1 पाव है, मम्मी ने लिया था मुझे नहीं पता इसका मेजर, और ये हमने बीन्स ले लिया। आपको जितना वेजिटेबल लेना है आप ले सकते हैं। 1 मैंने ले लिया है शिमला, मैंने बारीक नहीं काटा, इस तरह काटा है क्योंकि शिमला काफ़ी पानी छोड़ता है। ये देखिए इस तरह मैंने हमारा शिमला जो है गोल गोल काट लिया है, क्योंकि जो है अब काफ़ी गल जाता है तो ये काफ़ी मैश हो जाता है, इसलिए मैंने इस तरह इसको लिया है। यहाँ साथ ही मैंने लिया है सोयाबीन इस तरह, ये भी 1 कप है, इसे भी मैंने मेजर से नहीं लिया ग्राम में, ये सिर्फ 1 कप सोयाबीन है। इस तरह सोया चंक्स ले सकते हैं, सोया बड़ी आप कुछ भी ले सकते हैं, आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। लोग आलू भी डालते हैं, मेरे आलू कोई नहीं खाता तो मैं इसलिए आलू ऐड नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैंने 2 टमाटर लिया है, यहाँ थोड़े से मैंने ये भी 1 कप कहने आप मटर इस तरह ले लिया है, यहाँ 2 कप मैंने 2 टमाटर ले लिया है। मैंने ये लिया है 3 मीडियम साइज की प्याज, क्योंकि हमें कुछ की ग्रेवी करनी है और हमारे गार्निशिंग के लिए हमें प्याज लेना है, तो इसलिए मैंने 3 प्याज लिया है। और यहाँ मैंने 4 से 5 हरी मिर्च लिए हैं इस तरह काट के, ये भी हम अपने मसाले में ही देंगे, तो इसलिए मैंने इसे 4 से 5 ले लिया है। यहाँ हमने हमारी गार्निशिंग तैयार कर रखी है, ये देखिए थोड़ा सा धनिया जो हम अपने मैरिनेट में भी डालेंगे, और 4 से 5 इस तरह मैंने हरी मिर्च ले ली ये गार्निशिंग के लिए, नींबू भी गार्निशिंग के लिए ही है। यहाँ पे मैंने 50 ग्राम दही लिया, ये देखिए इस तरह मोटा दही लें या पानी वाला, वो आपके ऊपर है, ज़्यादा पानी वाला नहीं लें, क्योंकि जो हमारा जो मैरिनेट करेंगे हम तो उसमें कहीं हमारा पानी वाला अच्छा होगा, क्योंकि हमारा सोयाबीन सोख लेगा, पर ज़्यादा पानी से जो हमारा शिमला है वो पानी ज़्यादा छोड़ेगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। साथ ही मैंने 2 किलो चावल लिए हैं, क्योंकि हमारे क्वांटिटी में ज़्यादा मैं बना रही हूँ और वेजिटेबल्स कम रख रही हूँ, क्योंकि भाइयों को ज़्यादा वेजिटेबल्स पसंद नहीं है, इसलिए तो मैं 2 kg चावल ले रही हूँ। जो मैं चावल इस्तेमाल कर रही हूँ वो गैलेक्सी राइस है, वो स्पेशल बिरयानी का ही राइस होता है गैलेक्सी राइस, तो वो मैं ऐड कर रही हूँ। उसे मैंने 1 घंटे पहले सोक कर दिया है, तो आइए चलिए मैरिनेट करके मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ अब मैं इसको सारी जो हमारी वेजिटेबल्स है सबको एक साथ ऐड कर दूँगी। टमाटर भी मैं साथ ही में डाल रही हूँ, क्योंकि टमाटर भी हमारा काफ़ी पानी छोड़ेगा, तो इसलिए मैं इसको टमाटर और हमारे मटर साथ ही में ऐड कर रही हूँ। साथ ही में हम डालेंगे इसमें हमारा दही, ये देख सकते हैं आप दही कितना अच्छा है, ये देखिए इस तरह, और ये मेरा घर का दही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे सारे पाउडर, कसूरी मेथी, कसूरी मेथी से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है, इसलिए मैं ये ऐड कर रही हूँ, खुशबू काफ़ी अच्छी आती है। अगर आपको गार्निशिंग के लिए ऐड करना है धनिया पुदीना तो आप वो भी ले सकते हैं, मैं वो नहीं डाली, उसका काफ़ी खट्टा फ्लेवर होता है तो, और वो ज़्यादा काटने पे भी काफ़ी मुंह में आता है, तो इसलिए मैं वो नहीं ले रही हूँ। तो आइए मैंने सब चीज़ इसमें ऐड कर दिया, अगर आप लेमन का जूस डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। तो चलिए मैं आपको उसको मैरिनेट करके दिखाती हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है अपना सोयाबीन और जितना भी हमारा वेजिटेबल है इस तरह मैरिनेट कर दिया है। अब हम करेंगे हमारे चावल का प्रोसेस। मैं इसे तह वाली नहीं बना रही हूँ, इसे डायरेक्ट मैं पुलाव की तरह बना रही हूँ। मैं तह नहीं लगा रही हमारी बिरयानी में, वेज बिरयानी में ये होता है कि वेजिटेबल्स थोड़ी बहुत जो शिमला वगैरह वो साबुत सी रह जाती हैं, तो वो थोड़ा पसंद नहीं आती। आपके ऊपर आप तह लगाना चाहते हैं तो आप तह लगा लें, और अगर आप इस तरह पुलाव मेरे तरीके से करेंगे तो आप उस तरह बना सकते हैं। इसे आप 30 मिनट रख दें फ्रिज में, जब तक आप अपने चावलों का प्रोसेस करेंगे आपका अच्छे से सारा वेजिटेबल मैरिनेट हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी प्याज ब्राउन कर ली है। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें डाल के चला लिया है। हमें प्याज हमारे जो ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद अदरक लहसुन डालना है, उसके बाद इसे चला लेना है इस तरह। फिर हम हमारा ऐड करेंगे इसमें हरी मिर्च, और जो हमने साबुत खड़े मसाले रखे थे वो ऐड करेंगे इसमें। हमें तड़के में, अगर आप तड़के में देना चाहते हैं तो तड़के में दे दें, वरना आप इस तरह ऊपर से दे दें। काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें भून जाएगा। अब हाई फ्लेम कर लीजिए। हम 5 मिनट अपना जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसकी जो खुशबू है वो ख़त्म कर लेंगे। काफ़ी मैंने तेज तेल में से दिया था तो लगभग ये आधा पक चुका है इस तरह। और हमने 2 ही चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट अपने मैरिनेट में ऐड किया था, जो मैं आपको दिखा नहीं पाई थी। मैं आपको बता देती हूँ, मैंने मैरिनेशन में भी 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था। आइए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारा अदरक लहसुन अच्छे से पक गया है। ये देखिए, और हमारे प्याज ने कितना अच्छा उसे ब्राउन कलर दे दिया है अदरक लहसुन को। अब इसमें ऐड करेंगे हम हमारे वेजिटेबल्स। इसमें भी मैंने 2 चम्मच अपना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लिया था सबके साथ। इसे हम ढक के नहीं पकाएंगे, इसी तरह हाई फ्लेम पे 10 से 15 मिनट इसे पकाएंगे कि जो हमारा सब्जियां जो है थोड़ी सी पक जाए इस तरह। और हमने इसमें दही वगैरह ऐड कर रखी है तो ये अपने आप इसमें पानी छोड़ देगा। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और आप कलर देख सकते हैं क्योंकि इसमें रेड चिली पाउडर हमने ऐड किया था, तो उसका कलर देखिए कितना अच्छा आ रहा है। साइड ही में मैं गरम कर लूँगी पानी जो हम अपनी बिरयानी में ऐड करेंगे। तो आइए हमारा जो थोड़ा सा जो है सब्जियाँ उसे पका लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा इसमें कलर आ गया। मैं इसमें ज़्यादा चम्मच डाल के इसे मैंने चलाया नहीं है। इसे डालने के बाद ना मैंने इसे ढका, क्योंकि ढकने से जो है हमारा शिमला जो है वो काफ़ी पानी छोड़ देगा, इसलिए मैंने इसे ढका नहीं है। और ये इसी तरह मुझे हाई फ्लेम पे इसे पकाना है कि हमारे जो मसाले जो हमने मैरिनेट किया था वो पक जाए। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से ही। अब इसमें हम इसे हम 5 मिनट और इसी तरह हाई फ्लेम पे बॉईल होने देंगे, मतलब उबल खदकने देंगे, पकने देंगे। और साइड में हम पानी गर्म कर लेते हैं। हमारे चावल 1 घंटे से सोख है जो इस तरह हो गए हैं। ये देखिए, ये 1 घंटे से मैंने से काफ़ी 1-1.5 घंटे से सोख कर रखा है, ये इस तरह हो गए हैं ट्रांसपेरेंट। मैं साइड में पानी गर्म कर लेती हूँ जो हम अपने बिरयानी में ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा हमारे जो मसाले में कितना अच्छे सारे तेल का बबल आ रहा है ऊपर। आपको ये सिर्फ 1 से 2 बार ही चलाना है, क्योंकि हम इसमें चावल ऐड करेंगे तब भी हमें चलाना पड़ेगा। ये देखिए, इसका पानी जो है लगभग जल गया है, यानी ख़त्म हो गया है, सूख गया है। अब देखिए इसमें हम ऐड करेंगे हमारे चावल। ये देखिए, ऐसे करने से कितना अच्छा जो हमारा रोगन वाला तेल है वो अलग हो जा रहा है हमारे सब्जी का। बिल्कुल हल्के हाथ से साइड साइड से चलाना है, बीच से नहीं चलाना है आपको कि हमारी सब्जियां टूटे। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि हमारा जो सारा वेजेज है और जो हमारा मसाला वो पक गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चावल। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें चावल डाल दिया है, और मैंने इसे पहले
स्टेनर में डाल लिया था कि अच्छे से सारा पानी निकल जाए चावल का, तब मैंने इसमें डाला है, क्योंकि हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। अब हमें देखिए अपना फ्लेम जो बिल्कुल लो कर लेना है, और इस तरह हमारे चावलों को हमारे सब्जियों के साथ मिलाना है। ये देखिए इस तरह, बिल्कुल इस तरह चलाना है कि आपकी सब्जियां टूटे भी नहीं, और अच्छे से ये हमारा जो चावल और सब्जियां हैं वो मिल जाएं। ये देखिए, अगर आप तह लगाना चाहते हैं तो आप पहले अपने चावल को हाफ जो है पका लें, उसके बाद आप इस तरह जब आपका मसाला भुन जाए तब उसमें आप ऐड कर दें। ये देखिए हमारे जो है सारी सब्जियां बिल्कुल अलग अलग हैं। ये देखिए आप कोई सी भी सब्जियां ले सकते हैं, इसमें आप पनीर भी ऐड कर सकते हैं, आलू ऐड कर सकते हैं, गोभी, जो आपकी फेवरेट सब्जियां हैं या जो सब्जियां आप लोग खाना पसंद करते हैं वो सब भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम कर लेंगे हाई फ्लेम, हमारा इधर पानी गर्म हो गया है, अब हम उसे अपने चावलों में ऐड कर लेंगे। आपको इतना ही पानी ऐड करना है जो आपके उंगलियों के हिसाब से हो, इतना पानी आपको ऐड करना है। ये देखिए कि आपके चावल अच्छे से पक जाए, क्योंकि आपने पहले से ही चावलों को सोक कर लिया था। इसमें मैं अभी और पानी ऐड करूंगी, मैंने एक कटोरा जो पानी है वो गर्म दे दिया। आप ठंडा पानी भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें बॉईल आना ज़रूरी है। ये देखिए मैं चला रही हूँ, आप देख सकते हैं कि चलाने के टाइम हमारी सब्जियाँ जो शिमला हैं बिल्कुल भी टूटी नहीं है। इसमें मैं और पानी ऐड कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इतना हो गया, मैंने इसमें सही से पानी ऐड कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल हमारे फिंगर, देखिए इतना पानी ले लिया है मैंने। अगर आप कच्चे चावल ले रहे हैं तो आप इसका जो है मेजर से ही लें और गर्म पानी लें, और फिंगर का मेजर रखिए कि आपको इतना पानी लेना है या इतना लेना है कि आपके चावल किस हिसाब से पकते हैं। आप गोल्डन राइस ले रहे हैं या सेला राइस ले रहे हैं या बासमती का राइस ले रहे हैं, कच्चे राइस, आपका चावल का पता होगा आपके चावल कितने पानी में पकते हैं, तो आप उस हिसाब से पानी ले लें। अब मैं इसे ढक दूँगी, ढकने के बाद जब हमारा पानी लगभग सूख जाएगा तब मैं इसमें हमारी गार्निशिंग करूँगी। मैं इसमें थोड़ा सा अचार भी ऐड करूँगी अभी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इतना अचार ले रही हूँ, ये लाल मिर्चों का अचार का मसाला है, मैं मसाला ही सिर्फ ऐड कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा हमें खट्टा फ्लेवर नहीं चाहिए। इसे हम चला लेंगे अच्छे से, उसके बाद वन बॉईल आने देंगे। जब तक हमारा पानी नहीं सूख जाता है तब तक हम इसे बॉईल कर लेंगे, उसके बाद हम इसे दम लगाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सारे वेजिटेबल्स एकदम अलग अलग हैं, अभी से माशाल्लाह बहुत कलरफुल लग रहा है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें से। चलिए फिर दम लगाने पे मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे इसमें बॉईल आ गया है, ये देखिए कितना अच्छा बॉईल आ गया। अब इसे हम इस तरह हाफ फ्लेम पे, हाफ ढक्कन में हाई फ्लेम पे इस तरह पकाएंगे, क्योंकि हमारे चावल ऑलरेडी सोक किए हुए थे और इसमें हमने गर्म पानी ऐड किया है। मैं आपको चावल दिखाती हूँ, ये देखिए आप देख सकते हैं इसका, ये देखिए कितना लगभग ये होने ही वाला है, मतलब अच्छे से मुलायम हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, इसे और पानी जलने देंगे, फिर हम अपनी इसमें गार्निशिंग ऐड करेंगे कि अच्छे से जो सारी खुशबू हमारे प्याज की धनी की जो है वो इसमें ऐड हो जाए। 5 मिनट आप इस तरह हाई फ्लेम पे इसका पानी जो है वो सुखा लें, क्योंकि हमारी सब्जियां भी काफ़ी पानी छोड़ देती हैं। ये देखिए फ्रेंड, जो हमने प्याज और हमने जो धनिया और हरी मिर्च और लेमन लिया था, आप देख सकते हैं मेरा पानी कितना सूख गया है, लगभग कि इस तरह हो गया है। अब इस पर हम दम लगाएंगे तो इसके लिए भी हमें पानी चाहिए। अब मैंने इसको पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया है, आपको अच्छे से बिठा के रखना है तो आप कर सकते हैं। इस जगह आप नींबू नहीं लेना चाहते हैं तो आप टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी बिरयानी में, कि वो लगेंगे कि काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा।
और ये हमने इसमें हमारा जो है रस के साथ जो हमारे धनिया में हमारे नींबू का रस था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। साथ में मैंने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में प्याज ले रखा है क्योंकि मैंने प्याज थोड़ा सा ही ऐड किया था इसमें। ये देखिए मैं काफ़ी अच्छे से प्याज इसमें डाल रही हूँ। अब बिल्कुल जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल हाई फ्लेम पे मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दे रही हूँ। अब मैं इसे ढक दूँगी कम से कम 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तो कंटिन्यू ढकना है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका पानी कितना सूखा है और कितनी अच्छी खुशबू आएगी हमारे बिरयानी में से। अब मैंने देखिए इसको ढक दिया, मुझे इसे कंटिन्यू 20 मिनट इसी तरह ढकना है कि हमारे चावल अच्छे से पक जाए और जितना भी फ्लेवर हमने ऐड किया वो अच्छे से आ जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं 20 मिनट के बाद। ये देखिए फ्रेंड्स पूरे 20 मिनट्स हो गए हैं। अब यहाँ पर हम अपनी बिरयानी खोलते हैं। माशाल्लाह ये देखिए कितना अच्छा इसमें खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। इस जगह आप टमाटर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम अपना चम्मच लेंगे, आप चाहे पतला स्पून या इस तरह जो चावल वाला चम्मच है वो भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसे इस तरह बीच में ऐड करूँगी। ये देखिए इस तरह बिल्कुल नीचे तक हमारे सतह तक लगना चाहिए और इस तरह इसे निकालूँगी। ये देखिए यानी अभी हमारे चावल, ये देख रहे हैं आप, यानी अभी हमारे चावल में जो है थोड़ा बहुत पानी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस बना बना के मैंने ये फूड कलर यहाँ ग्रीन कलर का मिक्स करके रखा हुआ है। इस तरह हम चम्मच डालेंगे अपने चावलों के अंदर इस तरह। कलर ऑप्शनली अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। नहीं डालना चाहते तो इस तरह भी माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी लगती है बिरयानी या पुलाव कह लें, जो आप कहना चाहते कह सकते हैं। मैं इसे ज़्यादातर पुलाव के ही तौर पे बनाती हूँ क्योंकि इसमें सब एक साथ डालिए। देखिए मैंने इस तरफ फूड कलर ले रखा है, इसमें मैंने एक चम्मच केवड़ा वाटर भी ऐड कर रखा है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा इस हमारे जो हमने अपने चावलों में छेद किया उसमें ऐड कर देंगे कि जो हमारे चावल है यानी बिरयानी है जो वो काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छी लगे और मेहमानों के आगे काफ़ी खूबसूरती से लगे जो हाँ कि हमने वेज बिरयानी बनाई है। ये देखिए इसमें जैसे मैंने आपको बताया इसमें थोड़ा सा अभी पानी है, हम इसे फिर से 10 मिनट के लिए ढक देंगे। हमारे चावल लगभग हो गए हैं, ये देखिए बिल्कुल देख रहे हैं आप लगभग हो गए हैं, इसमें बस कुछ और फर्क रह गया है। अब इसे हम ढक देंगे फिर से। आप इसे लो फ्लेम पे ही रखें, बिल्कुल लो पे। अगर आप तवा लगाना चाहते हैं नीचे तो तवा लगा सकते हैं, मैं इसी तरह लो फ्लेम पे रखूँगी 10 से 15 मिनट के हमारे जो बचे कुचे चावल बचे कुचा जो पानी है वो भी अच्छे से सूख जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद। ये देखिए फ्रेंड 10 मिनट हो गए हैं, अब हम खोलेंगे हमारी बिरयानी। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर और खुशबू आ रहा है। तो आइए चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ हमारी वेज बिरयानी। ये देखिए फ्रेंड्स मैं अपना जो कलर जो मैंने डाला है वो मैं ऐड कर रही हूँ, मिला रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा रेड कलर, हमारे जो चावल हैं वो हल्के से रेड हैं, येलोइश हैं थोड़े से, और हमारा जो ग्रीन ग्रीन कलर है वो कितना अच्छा लग रहा है इसके ऊपर। तो फिर चलिए मैं इसको पहले मिला लेती हूँ अच्छे से, फिर मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ हमारा वेज बिरयानी। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी वेज बिरयानी बनके तैयार है। माशाल्लाह ये देखिए कितना अच्छा इसमें फ्लेवर आ रहा है और कलर और खुशबू तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी कैसी बनी है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरा जो 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है उसे प्लीज़ प्लीज़ पूरा करवाएं। और अब मैं शॉर्ट वीडियोज़ भी बना रही हूँ, अगर आपको कोई रिक्वेस्टेड शॉर्ट वीडियो कि जल्द ही मैं आपकी झटपट रेसिपी तैयार हो जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वेज बिरयानी कैसी बनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिश में। अल्लाह हाफिज़।